स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो यहाँ पर मैं एक प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहा हूँ, दैट इज क्वेश्चन 12, एससी वर्मा चैप्टर 2, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। सो हियर A1, A2, A3, A4, A5, A6, A1 विद अ रेगुलर हेक्सागन एंड राइट द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय सिक्स साइड्स टेकन इन ऑर्डर। यूज द फैक्ट द रिजल्टेंट ऑफ दी सिक्स वैक्टर इज 0। वी हैव टू प्रूव दिस। देखिए स्टूडेंट्स, क्या है कि यहाँ पर हमने वी हैव अ रेगुलर हेक्सागन और यहाँ पर हमें वी नो दैट कि वेन एवर ऑल द वैक्टर्स आर इन ऑर्डर, लाइक अगर आप पॉलीगन लॉ देखते हैं, ट्राइंगल लॉ देखते हैं, तो जब भी किसी लाइक ट्राइंगल में या पॉलीगन में या जैसे रेगुलर हेक्सागन में ऑल द वैक्टर्स आर इन ऑर्डर, अगर सारे ही वैक्टर ऑर्डर में है, तो वहाँ पर जो रिजल्टेंट बनता है वो बेसिकली 0 बनता है। और अगर कोई वैक्टर का रिजल्टेंट ही 0 है, तो ऑब्वियसली उस वैक्टर का एक्स कम्पोनेंट भी 0 होगा और उस वैक्टर का वाई कम्पोनेंट भी जो है वो 0 होगा। तो हमें लाइक कहा गया है कि यूज द फैक्ट दैट रिजल्टेंट ऑफ दिस सिक्स फैक्टर इज 0, कि जो रिजल्टेंट है दैट इज 0। यूजिंग दिस फैक्ट वी हैव टू प्रूव दिस थिंग। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सभी वेक्टर्स का एक्स कंपोनेंट लिखेंगे। एक रेगुलर हेक्सागन है तो ऑब्वियसली सभी का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहा होगा, सेम है बेसिकली A1, A2, A3 का। हम इन सब के एक्स कंपोनेंट लिखेंगे। तो मैं सभी वेक्टर्स का बारी बारी से एक्स कंपोनेंट जो है स्टूडेंट्स वो लिखने जा रहा हूँ। अगर आप A1 वेक्टर को देखते हो, दिस इज A1 वेक्टर, तो ये ऑब्वियसली एक्स एक्सिस की तरफ ही है, दिस इज अवर एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन की तरफ ही है A1। तो इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा दैट इज सिंपली A1 cos 0 डिग्री प्लस। अब A2 की तरफ चलते हैं, A2 एक्स एक्सिस के साथ 60 बना रहा है, तो इसका एक्स कंपोनेंट होगा A2 cos 60 डिग्री प्लस। अब हम A3 की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखिएगा A3 को, आई विल जस्ट इस फिगर को मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ। दिस इज स्टूडेंट्स, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस इज 90 एंड दिस इज ऑब्वियसली 30 और ये है अपने पास बेसिकली 60। तो ऑब्वियसली ये फिगर में भी ये एंगल जो है वो 60 है। तो अगर मैं यहाँ ध्यान देता हूँ, तो हमारा जो A3 वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है 120 डिग्री, बिकॉज ये पूरा 180 होगा। तो A3 का जो एक्स कंपोनेंट है वो लिखा जाएगा A3 cos 120, ओके, दैट इज A3 प्लस। अब A4 की बारी आती है, A4 ये A4 है, A4 तो माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है, तो ऑब्वियसली A4 ने एक्स एक्सिस के साथ बनाया है 180 डिग्री। तो मैं इसे लिख सकता हूँ A4 cos 180 डिग्री, बिकॉज A4 ने एक्स एक्सिस के साथ प्लस एक्स एक्सिस के साथ 180 डिग्री बनाया है। तो इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा वो होगा A4 cos 180। देन आगे चलते हैं A5 की तरफ, सिमिलरली हम ऐसे ही कर लेंगे इसे भी, लाइक दिस इज स्टूडेंट्स, दिस इज लाइक 90 और ये जो एंगल होगा दैट इज ऑब्वियसली 30 डिग्री। दिस इज अवर A5 वेक्टर, ओके, दिस इज A5 वेक्टर। A5 वेक्टर जो x एक्सिस के साथ बना रहा है वो ये एंगल है पूरा का पूरा, A5 ने x एक्सिस के साथ ये एंगल बनाया है। ऑब्वियसली ये 60 है, ये बचा हुआ, और ऊपर वाला 180। तो पूरा जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 प्लस 180 मीन्स इट इज़ बेसिकली 240, ये बन रहा है 240, ये यहाँ से यहाँ तक एंगल बन रहा है 240। तो A5 एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है 240, तो इसका कंपोनेंट आ जाएगा एक्स कंपोनेंट A5 cos 240। अब हमें बचा है लास्ट A6, ओके, देखिए स्टूडेंट्स ये A6 है, दिस एंगल इज बेसिकली यू नो दैट वाज 30, ये 30 था एंड ये 90 है और ये 60 है। तो A6 को देखिए आप, दिस इज A6, A6 ने क्या एंगल बनाया एक्स एक्सिस के साथ, स्टूडेंट्स A6 ने ये एंगल बनाया एक्स एक्सिस के साथ, तो जो कि है 180 और मतलब पूरा 360 से आप 60 काट दीजिए बस, सो इट इज़ लाइक यू नो 320, ओके, सो इट इज़ जस्ट अ मिनट, आई विल जस्ट चेक इट। सो दिस इज़ अवर A6, तो ये जो है दैट इज़ 60 है यहाँ पर और ये अपने पास 300, सॉरी, ओके, 300, ठीक है, 300 आ गया, दिस इज 60 टोटली 360, तो ये 300 आ गया। सो इट इज़ A6 ने जो एक्स एक्सिस के साथ बनाया है वो बनाया है 300 डिग्री। तो मैं लिखूँगा A6 cos 300 डिग्री। नाउ वी विल राइट दिस, ओके, आप अपने पास ऊपर भी देखेंगे ऊपर किस तरह से लिखा गया है। देखिए स्टूडेंट्स, ये सभी रेगुलर हेक्सागन है, ये रेगुलर हेक्सागन है तो ऑब्वियसली वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो मैं सभी को A लिख लूँगा, इट इज़ A cos 0 प्लस A2 cos 60, cos 60 कैन बी रिटन एज पाई अपॉन 3 प्लस, सॉरी A2 नहीं, हम इनको A ही लिख रहे हैं सभी को, A प्लस अगला है cos 120, cos 120 को हम राइट कर सकते हैं स्टूडेंट्स cos 2 पाई बाय 3, ओके, पाई बाय 3 इज 60, 62 इज 120, देन
A4 की बारी आती है, A4 है cos 180, तो इसको लिखो मैं A cos 180 मतलब पाई, तो यहाँ इन्होंने लिखा है लाइक इट इज 3π/3, तो 3π/3 मतलब पाई होता है, तो इनकी तरह ही लिख लेते हैं, तो इसको लिखा जा सकता है 180 को 3π/3। प्लस अगला है अपने पास A5, A5 को भी मैं A ही लिखूंगा, पर अगला एंगल है cos 240, तो cos 240 कैन बी रिटन एज 4π/3, सो इट कैन बी रिटन एज cos 4π/3। ओके, पाई बाय थ्री हो गया स्टूडेंट्स 60, 64 जा 240। प्लस आखिर बचता है A6, तो उसको मैं A ही लिखूंगा, और यह है cos 300, तो cos 300 को लिखा जा सकता है 5π/3। ओके, 60 × 5 300, एंड दैट इज इक्वल टू 0, बिकॉज वी नो दैट कि जो रिजल्टेंट है वो 0 है, तो ऑब्वियसली एक्स कॉम्पोनेंट भी 0 होगा। यहाँ पर ऑब्वियसली आप कॉमन ले सकते हो A, मैग्नीट्यूड है cos 0 प्लस cos 5/3 प्लस cos 2π/3 प्लस cos 3π/3 प्लस, अभी से मैंने कॉमन ले लिया है, cos 4π/3 एंड प्लस cos 5π/3 इज इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली दिस मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल टू 0, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टर्म्स इज 0, बट A इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस these vectors represented by the side of this regular hexagon, तो obviously ये वाली term जो है वो 0 होगी, जिसे आपको प्रूव करना, so we can say that we have proved that cos 0 plus cos pi by 3 plus cos 2π/3 plus cos 3π/3 plus cos 4π/3 plus cos 5π/3 is equal to 0, so ये हमें यहाँ पर प्रूव करना था using this। थैंक यू।